आज हम बनाने वाले हैं कड़ी पकोड़ा। और ये कड़ी के लिए पहले जो पकोड़ा बनाते हैं उसके लिए मैंने जो बेसन है बहुत अच्छे से फेट के रख लिया। मैं आपको दिखाती हूँ ये फेटा हुआ, आपको कैसे पता चलेगा। आप एक गिलास में पानी लीजिए और इसके अंदर इस बेसन की सिर्फ एक ड्रॉप डाल के देखिए ऐसे। अगर ये ऐसे फ्रोट करने लग जाए मतलब जो है बेसन बहुत अच्छे से फेट लिया है। बेसन के पकौड़े बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, आप चाहे तो पालक भी ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए तो आप आलू और प्याज के भी पकोड़े बना सकते हैं। मैंने एक प्याज बारीक काट लिया है और बारीक बारीक आलू, उसके अलावा बहुत ही थोड़ा सा अदरक लहसुन कुटा हुआ और अजवाइन। अब ये सब कुछ मैं इस बेसन के अंदर मिलाऊंगी और हम अपने पकोड़े तैयार करेंगे। पकौड़े का जो बैटर है मैंने तैयार कर लिया, इसके अंदर मैंने सब कुछ मिक्स किया, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल के अब जो है हम पकौड़े फ्राई करेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं और स्पून से भी डाल सकते हैं। मैंने फेंटने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया था पर मैं स्पून से इसको डालूंगी इसके अंदर आप। और ये मैंने तेल गर्म कर लिया, इसके अंदर हम डालेंगे ऐसे। ये पकौड़े हम ऐसे इसके अंदर तेल के अंदर ऐसे चम्मच से छोड़ते जाएंगे। ये जो हमने पकौड़े डाले हैं इसको हम हल्का सा देखिए हाथ ऐसे करेंगे, ये देखिए ऊपर फ्लोट करने लगे। जब हम बेसन अच्छे से फेंटते हैं तो बहुत अच्छे और सॉफ्ट पकौड़े बनते हैं, नहीं तो वो बहुत हार्ड हार्ड और चपटे बनते हैं। अब इसको हम पलट देंगे सारे पकौड़ों को और इसे गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे। ये जो पकौड़े एकदम गोल्डन फ्राई होते हैं जिसने बेसन फेंटा था हम इसको निकालेंगे और बाकी के पकौड़े भी ऐसे ही पलेंगे। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं कड़ी पकौड़ा। कड़ी के लिए मैंने छाछ ली है ये 1 लीटर, ये एकदम देसी छाछ है जो मैंने दुकान से ली है, पैकेट वाली नहीं है, चाहे तो पैकेट वाली भी ले सकते हैं। छाछ के साथ मैंने लिया है बेसन, ये 1 कटोरी बेसन है। इसको हम पेस्ट का बना के फिर इस छाछ के अंदर मिक्स करेंगे। हम थोड़ी सी छाछ इस्तेमाल करेंगे इसको पेस्ट बनाने के लिए। पेस्ट हम इसलिए बनाएंगे ताकि इसके अंदर गाठे ना पड़े, और हम इसको इसमें ही मिक्स करके इसको पेस्ट सा बनाएंगे। जो हमारा बेसन है बिल्कुल पेस्ट जैसा बन गया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये पेस्ट हमने इसलिए बनाया ताकि इसके अंदर जो है गांठे ना पड़े, और अब हम इसको छाछ के अंदर मिलाएंगे और मिला के इसको अच्छे से करेंगे। गैस वैस ऑन नहीं करनी है, सबको ऐसे ठंडे में ही मिलाना है। अब ये जो है हमारा छाछ के साथ बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए बिल्कुल भी इसमें गाठे नहीं है। अब हम इसको जिस बर्तन में हमने पकाना है उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे। मैंने अभी भी गैस ऑन नहीं करी है। जब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हम गैस ऑन करेंगे और इसके अंदर एक उबाल आने देंगे। तब तक के लिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं और हल्का हल्का इसको स्टेयर करते रहेंगे ताकि इसके अंदर लम्ब्स ना पड़े। ये हमारा जो है देखो कड़ी का जो हमने मट्ठा इसमें डाला था बेसन का, उसमें उबाल आ गया है, देखो कितना अच्छा, और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है क्योंकि हम इसको स्टिर करते रहते हैं, ना ही कोई लम्स है। इसके अंदर हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि लम्स ना हो। और जो मट्ठा है थोड़ा खट्टा इस्तेमाल करेंगे, या फिर दही भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो खट्टी इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, एक उबाल आने के बाद डालते हैं हम इसमें नमक डालना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम तड़का में भी साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी कड़ी के अंदर कितना अच्छा कलर आ गया, नमक मिर्च जल्दी डाल के उसके अंदर बॉईल आ रहा है। अब हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट, और इसको चलाते चलाते ही हमने पकाना है ताकि ये लम्स ना बने और नीचे ना लगे। कड़ी जितनी देर पकती है उतना ही अच्छी बनती है। तो हम इसको 15 से 20 मिनट अब हम इसको ऐसी मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमारी कड़ी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है, देखिए थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है, ये यहाँ तक थी पक पक के इतनी कम हो गई है ये। अब ये जो हमारी पक के एकदम तैयार है, अब हम इसमें तड़का मारेंगे। तड़के के लिए मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी और बाकी मैं डालूंगी थोड़ा 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो सिर्फ देसी घी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोनों को मिक्स करा है। अब मैं तड़के के लिए इसमें डालूंगी ये है सरसों, इसके अलावा बहुत ही थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें मेथी दाना, 2 साबुत लाल मिर्च और बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट हींग। हींग हम अच्छा डालेंगे इसके अंदर ज़्यादा। और मैंने कुछ कड़ी पत्ते मैंने सुखा के रखे हैं, आप चाहे तो फ्रेश डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं सुखा के इसको रखा।
बाद ये मैं थोड़ा एंड में डालूंगी जब ये सही से हो जाएगा। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी और गैस कर दूंगी ऑफ और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए बढ़िया हमारा तड़का तैयार। और इसको तड़के में थोड़ा सा हल्का गर्म करेंगे इसको। अभी तड़के के लिए मैंने दोबारा गैस ऑन करी, उसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छा से मिक्स करूंगी और अच्छे से तड़के में लगाएंगे इसको। इसको ढक देंगे। ये जो हमारा तड़का लग गया, जब सिजलिंग इसकी बंद हो जाए तड़के की, तब ये देखिए इसके अंदर तड़का बढ़िया एकदम। इसको हम अच्छा सा मिक्स देंगे। बढ़िया मिक्स हो गया है हमारा और हमारी कड़ी एकदम तैयार है। मैंने पकौड़ियाँ बना के रखी थी, जितनी पकौड़ियाँ हमने सर्व करनी हो हम बस उतनी ही पकौड़ी डालेंगे, क्योंकि पकौड़ी जो है पानी पीती है, तो हम उतनी डालेंगे जितनी हमें सर्व करनी है ताकि इसकी क्रिस्पीनेस भी ख़त्म हो। और ये हमारा कड़ी पकौड़ा तैयार है एकदम सर्व करने के लिए। ये हमारा कड़ी पकौड़ा एकदम तैयार। इसको आप चावलों के साथ खाइए, दोपहर के खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, गर्मियों में खाने के लिए, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।